गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल विद यू? ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा टाइम हो चुका है ज्यादा. देखिए, लगभग छोटी छोटी चीजें जितनी थी मैंने आप लोगों को, लगभग सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी हैं. अब जो चीजें बीच में आएंगी वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी. तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट आज से. तो कंक्रीट क्या होता है, हम लोग को कंक्रीट पढ़ना है. तो देखिए, कंक्रीट तो एक जनरल टर्म होता है जो कि एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, और इससे हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, कोई भी चीजें बन सकती हैं. क्या मैंने इससे पहले ये बताया है कि क्या क्या चीजें बन सकती हैं? शायद नहीं बताया ना. ठीक है, बहुत सारी चीजें बन सकती है, सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, इससे बहुत सारी चीजें बन सकती है. ये कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स बनाने में यूज किया जाता है. और अभी आप इसको जब आप, मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करूंगी ना, तो आप लोग देखेंगे ये बाकी मटेरियल से अच्छा भी है, किन किन रीजंस में अच्छा है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सब हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इससे बनाई जा सकती हैं. तो जो ये देखिए, वाटर टैंक तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये भी वाटर टैंक जो है ये कॉन्क्रीट का बना हुआ है. कंक्रीट का बना हुआ मतलब देखिए, किसी भी कंक्रीट को, मैंने पहले ही बताया था कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट. जो हम लोग जब कंक्रीट की बात बोलेंगे तो हमारा जो एरिया है कंक्रीट का, वो सीमेंट कंक्रीट है. तो सीमेंट कंक्रीट जो है वो सीमेंट, सैंड और पेबल्स, इनका क्या होता है, और प्लस वाटर, इनका क्या होता है, इनको आपस में मिला दीजिए तो ये एकदम एकदम सॉफ्ट, एकदम ऐसा मटेरियल बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं जिसे हम लोग. तो ये ग्रीन कंक्रीट क्या होती है, ऐसी स्टेज होती है कंक्रीट की जिसमें हम लोग इसको किसी भी शेप में रख सकते हैं. तो जैसे ये देखिए, अगर हम लोग चाहते तो इसके इसके ये जो इसके पिलर्स दिख रहे हैं, हमने चाहा तो ये पिलर के फॉर्म में बन गया, हमने चाहा तो देखिए ये इस शेप में बन गया. तो किसी भी तरीके से हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, और एक बार जब ये टाइट हो गया, अपनी स्ट्रेंथ इसने गेन कर ली, तो फिर इसको हम लोग अल्टर नहीं कर सकते हैं. तो वाटर टैंक बनाया जा सकता है, वाटर टैंक की डिजाइनिंग भी आप लोग सीखेंगे जो इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर सेकेंड में आप लोग सीखेंगे वाटर टैंक की डिजाइनिंग. सेकेंड है कंक्रीट की चिमनी. ये देखिए, चिमनी भी बना सकते हैं हम लोग, हर तरीके का स्ट्रक्चर लगभग बनाया जा सकता है. बिल्डिंग्स भी बनती हैं कंक्रीट की अब तो, डैम भी बनाए जाते हैं. ये सभी यूनिट्स, ये सभी जो भी स्ट्रक्चर्स आपको बताए जा रहे हैं, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को आता होगा. डैम क्या होता है, वाटर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है. जब जरूरत होती है हम लोग इसको, मतलब जब वाटर ज्यादा होता है हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं, और जब जरूरत होती है तो इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. जैसे आप लोगों को मैंने टर्बाइन वगैरह बताया था, उस समय चीजें बताई थी. पाइप्स बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं. ये भी देखिए, ये कंक्रीट का ही बना हुआ है, इसके अंदर भी रेनफोर्समेंट है, आरसीसी का बना हुआ है ये. ठीक है, तो कंक्रीट और आरसीसी अलग अलग चीज है. अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट है तो मतलब ये जनरल टर्म की बात हो रही है, जनरल क्लासिफिकेशन दिया जा रहा है. इस जनरल क्लासिफिकेशन को भी कई चीजों पे बेस मान के किया गया है क्लासिफिकेशन. तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा, वो क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल को बेस मान के किया गया है. सीमेंटिंग मटेरियल होता है जैसे कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि एक दो तीन चार कितने भी मटेरियल्स को क्या करे, बाइंड कर दे, आपस में बाइंड कर दे और हमेशा बाइंड रखे, तो वो सीमेंटिंग मटेरियल होता है. बाइंडिंग मटेरियल भी बोलते हैं इसको. तो अगर कोई ऐसा कंक्रीट है जिसमें सीमेंटिंग मटेरियल यानी बाइंडिंग मटेरियल जो है वो उसमें लाइम यूज किया गया है, यानी हमारा क्या बना, लाइम और फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, ऐसा. ठीक है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो उसे हम लोग बोलते हैं लाइम कंक्रीट, जो कि अभी इस सब्जेक्ट में हम लोग नहीं पढ़ेंगे लेकिन होता है. ठीक है, जिप्सम कंक्रीट, तो अगर हम लोग जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो जिप्सम यूज कर रहे हैं तो वो जिप्सम कंक्रीट होता है. सीमेंट कंक्रीट, अगर हमारा बाइंडिंग मटेरियल जो है वो सीमेंट है तो सीमेंट कंक्रीट यूज होगा, जो कि अभी हमारा सब्जेक्ट है. हम लोग अभी इसी सब्जेक्ट में इसी तरीके के कंक्रीट के लिए हम लोग सीखेंगे. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस है
बल्क डेंसिटी पे। बल्क डेंसिटी पता है आप लोगों को, डेंसिटी होता है, डेंसिटी यानी टोटल डेंसिटी होता है। टोटल डेंसिटी मतलब डेंसिटी नॉर्मल मास बाय वॉल्यूम जो होता है, तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इस केस में बात की गई है। तो अगर इसका जो लाइट वेट है, अगर इसका जो बल्क डेंसिटी है वो 500 केजी पर मीटर क्यूब से कम है, तो हम लोग इस तरीके की कंक्रीट को बोलते हैं कि वो एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट है। और अगर उसका जो बल्क डेंसिटी है वो 500 से 1800 केजी पर मीटर क्यूब से के बीच में होती है इसकी कोई वैल्यू, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि वो लाइट वेट कंक्रीट है। अगर जो बल्क डेंसिटी की वैल्यू है 1800 से 2500 केजी पर मीटर क्यूब से कम होती है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो डेंस वेट कंक्रीट है। और अगर जो हमारा बल्क डेंसिटी है वो 2500 केजी पर मीटर क्यूब से ज्यादा होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो सुपर हैवी वेट का कंक्रीट है। जो यूज किया जाएगा कंक्रीट, वो हम लोग यूज करेंगे कौन सा, सुपर हैवी वेट वाला कंक्रीट यूज करेंगे। ठीक है, जो अभी हमारा कंक्रीट चलेगा वो जो वैल्यू आएगी वो 2500 केजी पर मीटर क्यूब वाली वैल्यू हम लोग ले मतलब यूज करेंगे आरसीसी में। ओके, नेक्स्ट जो तरीका है क्लासिफिकेशन का वो है प्लेस ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है ना कि देखिए कंक्रीट को सारे जो उसके मटेरियल्स होते हैं, कंक्रीट को बनाने वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनको एक जगह पे रखना एक पर्टिकुलर रेशियो में बाय वेट या बाय वॉल्यूम, वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे। तो उनको एक पर्टिकुलर रेशियो में अपने पास रखना, उनको मिलाना, उसमें वाटर ऐड करना, ग्रीन कंक्रीट बनाना, और इसके बाद ग्रीन कंक्रीट बनाया हमने तो वो प्लेस हमने क्या यूज किया। अगर हमने साइट पे ही उसका पेस्ट तैयार किया और साइट पे ही उसे जैसे हमें कॉलम बनाना है तो हमने कॉलम का मोल्ड रखा और उसके अंदर कंक्रीट को फिल किया, अगर हमने ये काम साइट पे किया तो उसे हम लोग बोलते हैं इन सीटू कंक्रीट बोलते हैं। साइट पे ये काम किया गया है। और दूसरा जो कंक्रीट होता है वो हमारा होता है प्री कॉस्ट कंक्रीट। देखिए जो इन सीटू कंक्रीट है वही यूज होता है नॉर्मल, जब हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग मोल्ड बना देते हैं, जहां पे हमें कॉलम चाहिए सपोज वही हम कॉलम का मोल्ड बना देते हैं और फिर क्या करते हैं रेनफोर्समेंट डालते हैं और फिर उसमें हम लोग कॉन्क्रीट को फिल कर देते हैं। तो ये जो कॉन्क्रीट हुआ वो किस तरीके की कैटेगरी में आया, इन सीटू कॉन्क्रीट की कैटेगरी में आया। जब हम लोग स्लैब कास्ट करते हैं तो स्लैब भी हमारा जहां पे हमें चाहिए होता है वहीं पे उसे बनाया जाता है, ग्रीन कॉन्क्रीट उसी जगह पे फॉर्म होता है उसका। ठीक है, दूसरा तरीका है प्री कॉस्ट कंक्रीट, जिसे हम लोग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट भी बोलते हैं। नेक्स्ट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर 2 में आप लोग प्री कॉस्ट कंक्रीट बनाना भी सीखेंगे। वो क्या होता है कि जैसे एक पिलर है उसको ऑलरेडी हमने कहाँ कर लिया, कास्टिंग हमने उसको अपने जहां हमारा जो लैब है वहां पे हमने उसकी कास्टिंग कर ली, और फिर ढेर सारे सपोज 100 पिलर कहीं लगाने हैं तो 100 पिलर हमारे पास पहले से टाइम था, हमने पहले से उसको कास्ट करके रख लिया, स्ट्रेस्ड कर दिया उसे पहले से ही, और फिर क्या किया सभी पिलर्स को उठा के हमने जहां पे हमें चाहिए था वहां पे हमने उसको रख दिया। इस तरीके को हम लोग बोलते हैं प्री कास्ट या प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कॉन्क्रीट कहाँ पर, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, अगर आपने देखा हो तो ब्रिजेस बनाने में इस तरीके का यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें जल्दी से कंस्ट्रक्शन करना होता है। सपोज हमें रिवर के ऊपर कोई ब्रिज बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ना कि जल्दी से वो कास्ट हो जाए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं पहले से हम लोग तैयारी करके रखते हैं सब कुछ, हम लोग उसके मटेरियल पहले से बना देते हैं और फिर जाके उनको वहां पे कनेक्ट कर देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं प्री कॉस्ट कॉन्क्रीट। ये आप लोग यूनिट मतलब अगले नेक्स्ट आपका जो नया सब्जेक्ट आएगा उसमें आप लोग इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं ना वो इन सीटू कॉन्क्रीट की डिजाइनिंग वगैरह हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिस पे भी, अवेलेबिलिटी की बेसिस पे भी हम लोग उसका क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। दो कैटेगरी में रखा गया है कॉन्क्रीट को कि या तो कॉन्क्रीट प्लेन कॉन्क्रीट होगी या तो कॉन्क्रीट रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट होगी। तो देखिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो मैंने पहले भी बताया कि उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, इतना कम कि हम लोग इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, जब इतना कम होता है कि हम लोग उसको हटा देते हैं तो मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि प्लेन कॉन्क्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो अगर प्लेन कॉन्क्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है तो
हम लोग प्लेन कंक्रीट को कहाँ यूज करेंगे? ऐसी जगह पे यूज करेंगे जहां पर हमें सिर्फ वेट चाहिए, कंक्रीट का वेट चाहिए, और जहां पर सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आने हैं वहीं पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं प्लेन कंक्रीट का। जैसे कि अगर अगर इसका बात समझे कि प्लेन कंक्रीट कहाँ पर यूज होगी, तो मेनली ऐसी जगह पर जहां पर जैसे आप लोगों को रिटेनिंग वॉल भी नहीं पता अभी, तो सपोज एक बहुत मासिव स्ट्रक्चर, जैसे डैम, डैम बनाना है और डैम के अंदर जो मतलब रेनफोर्समेंट तो उसमें रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर अंदर आपको फिल करना है मटेरियल तो सिर्फ अंदर बहुत ज्यादा आपको मास चाहिए, मास ऑफ कॉन्क्रीट चाहिए, तो वहां पे हम लोग प्लेन कॉन्क्रीट यूज करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली डैम में भी आरसीसी ही यूज होता है, बिना रेनफोर्समेंट के वो भी नहीं बनता, ठीक है। तो ऐसी प्लेन कंक्रीट बहुत ही जहाँ पे सिर्फ उसे फिलिंग का काम देना है वहां पे हम लोग प्लेन कंक्रीट यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ बियर करने का कोई उसके पास तरीका होता नहीं है, ठीक है। और ये जो प्लेन कंक्रीट है उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बिना बिना मतलब बिना टेंसाइल स्ट्रेंथ के हम लोग कोई स्ट्रक्चर भी डिजाइन नहीं कर सकते हैं। बनाने का तरीका इसको यही होता है कि सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, वाटर, इन सबको एक डिफिनेट प्रोपोर्शंस पे मिला दिया जाता है और एक प्लास्टिक मास बनता है जिसे हम लोग ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं, और उनके एक मोल्ड्स में रख दिया जाता है। उन मोल्ड्स को हम लोग फॉर्म्स बोलते हैं, FORMS, फॉर्म्स बोलते हैं। उन फॉर्म्स में हम लोग मटेरियल को डालते हैं और थोड़ी देर में क्या हो जाता है, वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। एक केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट और वाटर के बीच में, जिससे क्या होता है उसकी स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। ये आप लोगों को सीमेंट में बताया गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। अच्छा, ये जो प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट है इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PCC भी बोलते हैं। तो अगर हम कभी PCC बोलेंगे तो मतलब हमें प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट कहना चाहते हैं हम। जो नेक्स्ट है वो है रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, यानी RCC, ये ही आप लोगों को पढ़ना है। तो RCC क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, क्योंकि अभी आपको पता है कि प्लेन कॉन्क्रीट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग ना के बराबर होती है, और ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, या बोलें कि बिल्कुल ना के बराबर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। तो अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं तो क्या होगा, वो प्लेन कॉन्क्रीट फेल हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के उस पार्ट में जहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं वहां पर हम लोग रेनफोर्समेंट कर देते हैं। अब ये रेनफोर्समेंट के कई मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं, रेनफोर्समेंट करने के लिए कई मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो उनमें से जो सबसे अच्छा मटेरियल है वो है हमारा स्टील। स्टील यूज किया जाता है, ठीक, स्टील की बार्स यूज की जाती हैं रेनफोर्समेंट करने के लिए। बहुत सारे रीजंस हैं कि हम लोग स्टील ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखिए कंक्रीट ऐसा हम लोग मानते हैं, अजम्पशन है ये हमारा, और वो भी अजम्पशन काफी हद तक सही भी है, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग उस डिफरेंस को हटा देते हैं। क्या डिफरेंस होता है कि कॉन्क्रीट और जो स्टील है वो उसका, अगर उसमें हम लोग स्ट्रेसेस लगाएंगे तो उसमें जो जो मतलब क्या बोले कि जो स्ट्रेन आएगा वो दोनों में लगभग सेम होगा, ये हमारा अजम्पशन है, और ये अजम्पशन शुरुआत से लेके लास्ट तक चलेगा, तभी इसमें स्टील हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्टील हम लोगों ने यूज कर दिया। अच्छा, अब हमारा रेनफोर्स कंक्रीट बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। रेनफोर्स कंक्रीट बनाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्म्स बनाएंगे। फॉर्म्स मतलब जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर, जैसे पिलर को बनाने के लिए आपने देखा होगा ना, उसका लोहे का उसका एक खांचा तैयार करके रख दिया जाता है ना, तो उसे हम लोग फॉर्म्स बोलते हैं। तो पहले हम लोग फॉर्म्स डालेंगे, उसके पहले हम लोग रेनफोर्समेंट डालेंगे। अब रेनफोर्समेंट कितना डालना है यही आपको सीखना है, और कहाँ डालना है, किधर साइड डालना है, ये आपको सीखना है, चाहे वो बीम हो, चाहे वो स्लैब हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, कुछ भी हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना स्टील रेनफोर्समेंट का काम करते हैं, उसमें बिछाते हैं कितना चाहिए, फिर इसके बाद हम लोग उसके फॉर्म्स तैयार करते हैं, और फिर हम लोग कॉन्क्रीट को फिल कर देते हैं। ये काम होता है इस तरह, जो है वो जब वो सॉलिड हो जाएगा तो उसे हम लोग RCC बोलते हैं। तो मेनली अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि कंक्रीट और स्टील रेनफोर्समेंट के साथ बना होता है।
स्टील रेनफोर्समेंट को भी देने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से जो सबसे ज्यादा तरीका यूज किया जाता है वो बार्स के फॉर्म में होता है, स्टील बार्स के फॉर्म में होता है। अब ये जो बार्स हैं ये भी कई तरीके की होती हैं, जैसे कि प्लेन बार्स होती हैं, एक डिफॉर्म्ड बार्स होती हैं। तो प्लेन बार्स या डिफॉर्म्ड बार वो है क्या कि अगर जो उसका आउटर सरफेस है, जो दिख रहा है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, अगर वो आउटर सरफेस प्लेन है तो उसे हम लोग प्लेन बोलते हैं, प्लेन स्टील बोलते हैं या प्लेन स्टील बार्स बोलते हैं। और दूसरा तरीका होता है स्टील बार्स का कि वो क्या होते हैं, उसमें ऐसे राउंड राउंड आपको ऐसा लगेगा ना कि बाहर से वायर्स लगाए गए हैं, तो वो होता है डिफॉर्म्ड बार्स, डिफॉर्म्ड बार्स बोलते हैं उनके। तो डिफॉर्म्ड बार्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्लेन बार्स। क्यों? क्योंकि उसमें शियर स्ट्रेंथ बियर करने का जो क्राइटेरिया है होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि बाहर से क्या है, उसमें बाहर से कुछ अलग, प्लेन नहीं है, उसमें अलग से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो उसमें शियर फोर्स जो है वो ज्यादा आता है। और जब आप इसका मैकेनिज्म सीखेंगे कि रेनफोर्समेंट जो है वो किस तरीके से मोमेंट वगैरह को बियर करता है, तब आपको समझ में आएगा कि वो शियर फोर्स के थ्रू ही बियर करता है चीजों को। ठीक है, तो आरसीसी एक वर्सेटाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि कंप्रेशन में भी बहुत स्ट्रांग होता है और टेंसाइल फोर्सेस के टेंशन में भी बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो कंक्रीट है वो ऑलरेडी कंप्रेसिव फोर्स में तो बहुत स्ट्रांग था ही, और अब जो उसकी जो एक ड्रॉबैक था कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ में वो कम था, तो उसको हम लोगों ने पूरा कर दिया स्टील के थ्रू, स्टील लगा दिया, तो वो स्टील की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बियर करने लगा। लेकिन स्टील जो है वो दोनों साइड में भी लगाई जाती है, मतलब टेंसाइल पोर्शन में भी लगाई जाती है और आपका मतलब कंप्रेसिव पोर्शन में भी लगाई जाती है, उसमें भी अभी हम लोग थोड़ा सा आते हैं। एक और चीज रेनफोर्समेंट यूज करने का एक और चीज या एक और फायदा हम बोलें वो क्या हो जाता है कि टेम्परेचर और श्रिंकेज स्ट्रेसेस जो डेवलप होते हैं, जो टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं और जो श्रिंकेज स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उनको भी ये बियर करता है, कॉन्क्रीट आरसीसी जो है, जो रेनफोर्समेंट यूज किया गया है उन्हें भी बियर कर ले जाता है। इसके अलावा स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी होती है, स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब वही है कि एक परफेक्ट बॉन्ड होता है कॉन्क्रीट और स्टील बार्स के बीच में, इसी बॉन्ड के बेसिस पे वो चीजों को मतलब जो फोर्सेज आ रहे हो उनको बियर करता है। इसके अलावा एक और चीज है कि स्ट्रेन जो है वो कंक्रीट और स्टील में ज्वाइंट पे अभी मैं इसका डायग्राम आपको सिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ज्वाइंट में कहां बोल रही हूँ, तो उस ज्वाइंट पे आपका जो मतलब जो स्ट्रेन है स्टील का हो या कंक्रीट का हो, दोनों का स्ट्रेन बराबर होता है। एक और चीज आरसीसी में अच्छी है कॉन्क्रीट प्लेन कॉन्क्रीट के कंपेरिजन में, वो क्या है कि अगर हम लोग कॉन्क्रीट का फेल्योर देखेंगे तो कॉन्क्रीट का फेल्योर जो होता है वो ब्रिटल फेल्योर होता है। ब्रिटल फेल्योर एकदम मतलब क्या कि अगर आपने बहुत तेजी से फोर्स लगाया तो कॉन्क्रीट एकदम से टूट जाता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको खींच रहे हैं तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर बढ़ेगा फिर टूटेगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, कॉन्क्रीट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो कॉन्क्रीट में जो फेल्योर होता है वो ब्रिटल फेल्योर होता है, लेकिन स्टील में जो फेल्योर होता है वो हमारा क्या होता है, पहले स्टील जो है वो एक्सपेंड होता है, वो थोड़ा सा अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करता है, लेंथ इंक्रीज करता है। तो अगर ऐसा होता दिख रहा है तो मतलब क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे पास टाइम होता है, हम देख पाते हैं टेंसाइल फेल्योर हो रहा है उसमें, हम देख पा रहे हैं कि डक्टाइल फेल्योर हो रहा है उसमें, तो हम लोग ये देख पाते हैं कि अब हमारा जो आरसीसी है, जो स्ट्रक्चर है हमारा आरसीसी का, वो फेल्योर होने वाला है। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी प्लेन कंक्रीट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में आरसीसी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने जो क्या बोले कि अलार्मिंग जो स्टेज होती है, मतलब फेलियर की जो अलार्मिंग स्टेज होती है या जो वार्निंग स्टेज होती है, वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वाले स्ट्रक्चर में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं कि प्लेन कंक्रीट के कंपैरिजन में हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट को हम लोग सुपीरियर क्यों मानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेनफोर्स कंक्रीट की छोटी छोटी चीजें अभी और भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इतने तक में किसी को कुछ प्रॉब्लम है बेटा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, अभी तो मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया, शुरू ही किया है बस। कंक्रीट के टाइप्स बताए हैं और दो तरीके का कंक्रीट हमने यूज करने की कोशिश की, जैसा कि जो फर्स्ट था वो क्या था कि मतलब आरसीसी और आपका ये नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट।
हम लोग आरसीसी की डिजाइनिंग सीखेंगे। तो अब आप लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग आरसीसी के स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि वो एकदम से सारी चीजें अगर आप लोग मतलब सीखेंगे तो आप लोगों को सब हॉचपॉच हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आरसीसी का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है और प्लेन कंक्रीट का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। तो अभी आज के दिन आप लोग पूरा विजुअलाइजेशन सीखोगे कि कैसे आप चीजों को ड्राइंग में देखते हो, कैसे चीजें एक्चुअल में होती है। एक्स डायरेक्शन से कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, वाई डायरेक्शन से कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, क्योंकि बेटा ये है डिजाइनिंग है और ये डिजाइनिंग डेफिनेटली आपको सारी चीजें आनी चाहिए। डिजाइनिंग है तो सीधी बात है लास्ट में आप एक ड्राइंग देंगे, वो ड्राइंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए और जिस पर्सन को आप दे रहे हैं उसको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई बीम कास्ट की गई है, अगर कोई बीम कास्ट की गई है तो एक सेकेंड, बीम का भी अपना एक क्रॉस सेक्शन होता है, बीम का भी अपना एक लेंथ होता है। अच्छा हाँ, एक चीज एक बच्चे ने पूछा है कि अगर लार्ज कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कॉन्क्रीट जो है वो प्री मिक्स करके मंगाते हैं इंजीनियर से, तो वो भी क्या इंसिटू कॉन्क्रीट होता है? देखिए नहीं बेटा, मैंने पहले भी बोला कि कॉन्क्रीट जो आप वो प्लेस जहां पे आपका ग्रीन कॉन्क्रीट फॉर्म होता है उस बेसिस पे हम लोग कॉन्क्रीट का नेम देते हैं। जैसे कि दो तरीके से मैंने आपको इसमें मतलब इसका मैंने जो क्लासिफिकेशन बताया था उसमें मैंने दो बताए थे आपको। जो फर्स्ट बताया था वो क्या था, इन सीटू कॉन्क्रीट था, और दूसरा क्या था, प्री कास्ट कॉन्क्रीट था। तो इन सीटू कॉन्क्रीट मतलब कि साइट पे ही आपका ग्रीन कॉन्क्रीट फॉर्म होगा, मतलब अपना कॉन्क्रीट जो मिक्सिंग का काम है ना वो आप अपना साइट पे करेंगे। और प्री कास्ट कॉन्क्रीट में क्या होता है कि इसमें भी दो कैटेगरी आती है। दो कैटेगरी क्या होती है कि पहला एक कैटेगरी की आपने जो मिक्सिंग कर ली वो आपने प्लांट में कर ली, और फिर जब लार्ज बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना होता है ना तो आप लोग साइट पे ही बैठ के मिक्स नहीं कर सकते, इतना ज्यादा मटेरियल साइट पे रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि आपने अपना कॉलेज बिल्डिंग ही जब बन रहा था तो आपने देखा होगा जो बगल में जो बिल्डिंग बन रहा था उसका जब स्लैब कास्ट हो रहा था तो क्या उतना मटेरियल आपको दिखा, इतना लार्ज कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक बिल्डिंग थी वैसे भी इतना लार्ज नहीं था लेकिन फिर भी क्या उसका मटेरियल आपको दिखा कि मटेरियल कहीं रखा हो ढेर सारा और मजदूर उसको मिला रहे हो, ऐसा तो नहीं दिखा आपको। आपको क्या दिखा, आपको मिक्सिंग मशीन दिखी बड़ी बड़ी, वो आती जाती हुई दिखी बहुत ज्यादा, करीब 10 मिक्सिंग मशीन खड़ी थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कंक्रीट की मिक्सिंग जो है वो ऑलरेडी प्लांट में वो लोग कर देते हैं और फिर उसको हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा प्री कास्ट कंक्रीट होता है। कास्टिंग यानी जो कंक्रीट है उसको जो बनाने का ग्रीन कंक्रीट का जो बनाने का प्लेस था वो कहाँ पे था, आपका ऑलरेडी साइट पे नहीं था, वो आपका आपकी लैब में था। ठीक है, उसके बाद प्लांट में था, उसके बाद ये लोग लेकर आए, मतलब ये प्री कास्ट कंक्रीट है। ठीक है, इसमें भी और भी तरीका कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन का जो आप मतलब जो स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं वो स्ट्रक्चर भी आपने अगर अपने अपना जो प्लांट है उस पे बना के रख लिया स्ट्रक्चर और पूरा पूरा स्ट्रक्चर उठा के लेकर आए आप, वो भी आपका प्री कॉस्ट कॉन्क्रीट में ही आता है, वो एक स्पेशल कैटेगरी प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट में आता है। ठीक है, तो अब इतना समझ में आया बेटा? ओके ठीक है, चलिए हम लोग अब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देखेंगे जो कि बहुत जरूरी है। अभी आप लोग सीख लेंगे तो मुझे बाद में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस चीज पे। तो सबसे पहले जो चीज आपको देखनी है वो एक हम लोग एक बीम से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक बीम बनाया हमने, मान लीजिए देखो हम कई तरीके से हम बीम को बनाएंगे। जैसे कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल बीम है, जैसे हॉरिजॉन्टल बीम है, जैसे आप लोग जिस स्ट्रक्चर से फेमिलियर हैं वो ऐसा जो आप लोग जो स्ट्रक्चर से फेमस जो आप लोग फेमिलियर हैं वो क्या है वो देखिए।
आप लोग ना भीम को ये बनाते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा भी नहीं बल्कि सिंपली आप लोग ये समझते हैं भीम, ऐसा एक भीम बनाया। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी कोई किसी भी तरीके का अपने अः यहाँ पर वो लगा दिया, सपोर्ट लगा दिया। सपोज हम यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि ये आपका सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। अब ये इतना अच्छा ड्राइंग नहीं बनेगा मुझसे, तो आप लोग समझ लो कि ये सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। तो ये सिंपली सपोर्टेड है, और यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे यहाँ पर कोई फोर्स लगते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ कुछ फोर्स आप लोग लगाते हुए आप लोगों को समझा है आप लोगों ने, ठीक है। तो इस चीज को अब हम लोग ड्रॉइंग पे कैसे बनाएंगे, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल यूज नहीं होगा आपका डिजाइनिंग। आप लोग अब ये छोटे बच्चों वाली कहानी हो गई, अब ये आप लोग बड़े तरीके सीखेंगे। तब जब भी क्रॉस सेक्शन बनाने की बात आती है ना, तो आप लोग कैसा क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, आप लोग जो सामने से देखने में जो बीम दिखेगी वो ऐसी दिखेगी, ठीक है, ऐसी दिखेगी। और जब आप इसको कहाँ से कट करेंगे, जब आपने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को ऐसे यहाँ से कट किया, अच्छा एक्स वाई या टेढ़ा हो गया, सीधा गया, ठीक है। ये एक एक्स डायरेक्शन में है, तीन चार डायरेक्शन हम लोग लेंगे, जैसे कि हम लोग ये एक्स डायरेक्शन हम लोग मानेंगे, और जो है ये हमारा क्या होगा, ये वाई डायरेक्शन होगा, ऐसे ऊपर की साइड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन होगा। और ड्राइंग बनाना इसमें बहुत बड़ी बात होती है। और तीसरा जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो गया हमारा जेड डायरेक्शन में, ठीक है। ये है एक्स डायरेक्शन में, ये है वाई डायरेक्शन में, और ये है हमारा जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है एक्स डायरेक्शन में, ये है आपका एक्स डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे ऊपर आया है ये वाई डायरेक्शन में, और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये क्या है, ये है आपका जेड डायरेक्शन में है। तो अगर आपने ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ऐसे कट किया, तो ये जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कट किया, अब ये क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा यहाँ से आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, हमने बोला ना रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ये, तो ये हमने देखा कि यहाँ से सामने से देखने में ये कुछ आपको इस शेप का दिखेगा, कुछ रेक्टेंगल शेप का है, मतलब ये हमको दिखा सामने देखने में ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ और चीजें नहीं लगाई गई हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको ऐसा ही दिखेगा। अब हम और चीजें अब सीखिए जरा, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, हमें रेनफोर्समेंट उसी साइड लगानी है जिस साइड टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पे हमने कौन किस तरीके का हमने बोला, यहाँ पे हमने सिंपली सपोर्टेड बोला, सिंपली सपोर्टेड बोला, और ये जो है पॉइंट लोड लगे हुए हैं कुछ, तो जो स्ट्रेसेस आएंगे वो क्या आएंगे, स्ट्रेसेस में अगर आप देखोगे तो इसका जो डायग्राम बनेगा ना, वो अब जरा सीखो कि डायग्राम कैसा बनेगा। अब इसका कुछ डायग्राम जब आप लोग इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम देखेंगे ना, तो कुछ डिफ्लेक्शन डायग्राम आपका कुछ कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके दिखेगा, ऐसा कुछ, ऐसा बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब कर्व शेप में दिखेगा आपको। जब कर्व शेप में दिखेगा मतलब कि क्या है कि अगर आप इसका न्यूट्रल एक्सिस देखें, सपोज ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, मतलब जीरो हम लोग मानते हैं ना, ना ना टेंसाइल ना कंप्रेसिव, ठीक है। तो अगर आप इस पे इसका डायग्राम बनाना चाहें, तो चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड को हमने माना है, इसलिए ऊपर साइड क्या हो जाएगा, ऊपर साइड हमारा आएगा यहाँ पर ऊपर साइड हमारा आएगा कंप्रेसिव फोर्सेज आएगा, और नीचे साइड हमारा आएगा टेंसाइल फोर्सेज आएगा, ठीक है। तो अब मैंने पहले ही बोला कि हमें जो रेनफोर्समेंट लगानी होती है वो टेंसाइल पोर्शन में लगानी होती है। तो जब हमारे टेंसाइल पोर्शन में लगानी होती है रेनफोर्समेंट, तो हमारा रेनफोर्समेंट कहाँ पे लगेगा, ये कुछ यहाँ पे लगेगा, ये रेनफोर्समेंट लगेगा। अब मैं इसको दूसरे कलर से कर दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये रेनफोर्समेंट हमने लगाया, कुछ हमने लगाया इधर की साइड, ये ठीक है, यहाँ पे हमने रेनफोर्समेंट लगा दिया। अब ये जो रेनफोर्समेंट हमने लगाया, ये हमने टेंसाइल साइड लगाया, किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो इसमें आप लोग पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हमने किया, हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए था, कंक्रीट हमारा इधर वाले पोर्शन में फेल हो रहा था, तो हमने रेनफोर्समेंट जो लगाया वो इधर साइड लगाया, ठीक है। अब ये चीज ये क्रॉस सेक्शन में देखने में कैसे दिखेगी, ये जो हमने यहाँ पे सेक्शन कट किया हुआ है वो यहाँ पर देखने में कैसे दिखेगी, तो
वो आप देख लो, सपोज हमने ये जो बार्स लगाई हैं वो कुछ 3 बार्स लगाई हैं, तो ये कहाँ दिखेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस पार्ट है, और ये यहाँ इसके सामने कुछ दिखेगा, मतलब यहाँ पे। अब ये सेम शेप का दिखेगा, आप लोग जान लेना, ड्राइंग मेरी बहुत ही खराब बन रही है इसमें। क्या कुछ ऐसे तीन आपको बहुत ही है। कुछ ऐसे ही दो तीन आपको रेनफोर्समेंट दिखेंगे इसी। देखिए जब हम लोग बनाते हैं ना, ड्राइंग बनाते हैं, तो इस चीज पे हम लोग काफी ध्यान देते हैं कि किस जगह का आपने सेक्शन बनाया है, तो आपने कितना डिस्टेंस पे बना दिया है। तो ड्राइंग के मामले में थोड़ा सा आप लोग रहिए, अभी तो ये मुझसे थोड़ा सा कंप्यूटर नहीं सही हो रहा है, लेकिन हाथ से ये बहुत सही बनेगा, ठीक है। तो ये जितनी डेप्थ पे ये रेनफोर्समेंट है, उतनी ही डेप्थ पे आपको इधर बनाना है रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो देखिए ये सामने ऐसे देखने में, ये जब सामने से देखने में आप देखेंगे, तो आपने क्या किया, इसको आपने जो कट किया है ना, इसमें आपने कैसे कट किया है, आपने एक्स डायरेक्शन के पैरेलल कट किया है। एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन के पैरेलल कट किया है, तो ये आपको ये स्ट्रक्चर दिखा। और जब आपने क्या किया, जब आपने इसको वाई डायरेक्शन के पैरेलल कट किया, मतलब कुछ ऐसे कट किया, तो आपको स्ट्रक्चर जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। रेनफोर्समेंट जो हमने लगाया वो टेंसाइल साइड में लगाया, तो रेनफोर्समेंट कुछ हमको दिखेगा ऐसा दिखेगा। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सपोर्ट थोड़ा बदल देते हैं। मान लीजिए अब ये जो तरीका है, मतलब ये जो अब ये जो आप अब जो देखेंगे बीम जो आप लोग देखेंगे, वो अब आपका क्या मिल जाए, अगर कितने स्टील बार लगा सकते हैं बेटा, यही तो हमें कैलकुलेट करना होता है। देखो अभी आप लोग, मैं आपको बस क्रॉस सेक्शन सिखा रही हूँ, क्रॉस सेक्शन में जितना चीज समझ में नहीं आ रहा है वो आप लोग बताइए। देखिए रेनफोर्समेंट बार कितनी लगानी है, वही हमारा काम होता है, आप लोग यही तो कैलकुलेट करोगे, यही मैं सिखाऊंगी आप लोगों को, कहाँ पे लगाना है, कितना लगाना है, ये आप लोग अभी सीखोगे, लगाना सीखोगे आप लोग, ठीक है। अभी बस क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, आप लोग ड्रॉइंग कैसे बनाओगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पर अब एक साइड ये क्या हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, सपोज इधर साइड अब ये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, इधर साइड यहाँ पे फिक्स्ड हमने लगा दिया है, फिक्स्ड है ये, ठीक है, ये फिक्स्ड सपोर्ट है। कुछ यहाँ पे कुछ लोडिंग सपोज हम लोग लगाएंगे, कुछ लोडिंग यहाँ पर लग रही है, यहाँ पे कुछ लोडिंग लग रही है ये, तो अब ये जो इसका डायग्राम बनेगा उसमें क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन डायग्राम इसका बनेगा वो कैसा बनेगा, अब आप लोग देखिए, अब इसका जो डिफ्लेक्शन डायग्राम बनेगा ना, वो कुछ बनेगा कुछ, ओहो, ये कुछ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ये ऐसे नीचे साइड ऐसे जाता हुआ बनेगा। तो जब ऐसा जाता हुआ बनेगा तो सीधी बात है कि अपर साइड न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के जो फाइबर हैं वो क्या होंगे, वो एक्सपेंड होंगे, और जो नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के जो फाइबर हैं वो क्या हो जाएंगे, वो जो है वो उनमें वो होगा कॉम्पैक्शन होगा, ठीक है। तो ऊपर साइड टेंसाइल होगा और नीचे साइड कॉम्पैक्शन होगा। बेटा टाइम थोड़ा खत्म होने वाला है, मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लूं, फिर मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ।
ओके ठीक है, अटेंडेंस आप लोगों का हो चुका है। ओके क्या होगा, अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनता है कि ऊपर साइड में टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है वो आपका नॉर्मल मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो कैसा बनेगा ये? सपोज ये आपका ये वो है और क्रॉस सेक्शन जो दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। अब जो हम लोग रेनफोर्समेंट लगाएंगे ना वो कुछ दिखेगा आपको अपर साइड में, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर दिखेगा, कुछ यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा रेनफोर्समेंट। ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस जो है वो क्या है? न्यूट्रल एक्सिस जो है वो है, सपोज न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पर है, ये यहाँ पर है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, तो अब ये जो रेनफोर्समेंट आपको दिखेगा सामने से, वो जो राउंड राउंड दिखेगा ना वो यहाँ पे दिखेगा, राउंड यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कुछ ऊपर साइड में राउंड दिखेगा। ठीक है, तो प्लेसिंग समझ में आया बेटा किसी को? अब किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। और इसका क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा इसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए बेटा, क्योंकि अब खत्म।